हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में पंक्तियों से संबंधित कुछ प्रश्न करवाया था, या पंक्तियों से संबंधित कुछ प्रश्न करवाया था, अर्थात जो ऑप्शन दिए थे वो पंक्तियों में दिए थे, आज मैं उस प्रश्न को करवाऊँगा जो अधिकतर टीचर उसको क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आज मैं वो करवाऊंगा। आज मैं आपको स्तंभों के बारे में समझाऊंगा कि स्तंभ होता क्या है और स्तंभ के माध्यम से कैसे प्रश्न पूछते हैं। तो आप ये ध्यान करिए, स्तंभ अर्थात खड़ी हुई रेखा, पंक्ति अर्थात लेटी हुई रेखा। ये ध्यान दीजिए, लेटी हुई रेखा पंक्ति, खड़ी हुई रेखा क्या स्तंभ। ये ध्यान दीजिए क्या सबसे बड़ी और सबसे खूबी है, इसकी विशेषता है। तो हम लोग चलिए उस प्रश्न पर फोकस करते हैं जो प्रश्न आपको बहुत कम ही मिलता है पढ़ने के लिए। ओके, तो यहाँ पर आप वही सेकंड पॉइंट डालते हैं, क्या संख्या सारणी संबंधित प्रश्न, क्या संख्या सारणी संबंधित प्रश्न। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं संख्या सारणी संबंधित प्रश्न, संख्या सारणी संबंधी प्रश्न, संख्या सारणी संबंधित प्रश्न। और इसमें जो खूबी है, ये स्तंभों पर आधारित है। दोस्तों, क्या स्तंभों पर आधारित है? तो हम लोग स्तंभों के माध्यम से ही प्रश्न देखेंगे। चलिए हम लोग उसका चार्ट एक बनाते हैं, बहुत अच्छा और यूनिक तरीके से। चलिए, तो यहाँ पर पंक्ति रहेगा, जैसा चार्ट है वैसा ही रहेगा, लेकिन स्तंभ के माध्यम से सॉल्व किया जाएगा। स्तंभ के माध्यम से ही समझ में आएगा। अब देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देखिए ये स्तंभ व पंक्ति के साथ कुछ अंक दिए हैं, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर अंक दिया है, 7, 3, 6, 9, 13 ओके, 14, 9, 12, 18, 33 42, 18 ओके, 36, 54, 78 इतना बात क्लियर, 28, 12, 18, 27, 52 और यहाँ पर 39 यानी 39, 27, 18 के बाद 9, 21 ये। तो इसमें आप खूबी देखिएगा, खूबी क्या है दोस्तों, खूबी ये है कि इसमें जो प्रश्न हैं वो स्तंभ पर हैं। तो मैं ऑप्शन रखता हूँ, ये ऑप्शन स्तंभ, क्या स्तंभ है, 1, 2 एंड 4। बी ऑप्शन कौन सा है उसको भी देख लेते हैं। 1 स्तंभ यहाँ लिखिएगा,
1, 3 and 4। ओके, सी ऑप्शन क्या है उस पर देखते हैं। स्तंभ हैं 2, 3 and 5th। ओके, 2, 3, 5th। और डी ऑप्शन जो है स्तंभ है फर्स्ट थ्री और 5th, ये ऑप्शन दिया है। और इस ऑप्शन को थोड़ा आप ध्यानपूर्वक करिएगा, क्योंकि ये ऑप्शन मेरा स्तंभ पर दिया है, ना कि पंक्ति पर दिया है दोस्तों। क्या स्तंभ पर दिया है, पंक्ति पर नहीं दिया है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये स्तंभ व पंक्ति पर ही सॉल्व होगा। लेकिन यहाँ पर स्तंभ दिया है तो हम स्तंभ के ही माध्यम से करेंगे। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा है, ये प्रश्न ऐसा है जो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न के थ्रू ही सॉल्व किया जाएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न के थ्रू ही सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि इन जो पंक्तियों व स्तंभों के साथ जो मान दिए हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे ये, तो इसमें मुझे मालूम ऑप्शन कौन सा राइट है, 4th नंबर ऑप्शन राइट है, तो हम 4th स्तंभों को ले लेते हैं। पहला स्तंभ क्या बोला है, देखिए पहला स्तंभ क्या है, ये पहला हो गया, फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन है, यानी तीसरा स्तंभ है, फिर उसके बाद पांचवा स्तंभ है। ये देखिए, ये मैंने ले लिया और इसको इस प्रकार क्या किया, डिफाइन कर लिया। देखिए मैंने ये लिया, तो पहले स्तंभ में जो मान है, क्या पहले स्तंभ में जो मान है मैं उसको लिख लेता हूँ, 7, 3, 6, 9, 13, ये लिख लिया। और इसके बाद तीसरे स्तंभ में क्या है, 42, 18, 36, 54, 78, इतना है दोस्तों। देखिए, और पांचवें स्तंभ में क्या है, 21, 9, 18, 27, 39, ये दिया है। देखिए ऐसे ही इसको सॉल्व किए जाएंगे, ऐसे सभी मानों के जो ऑप्शन दिए रहेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि इस पोजीशन में 6 से मल्टीप्लाई किया गया है, क्या 6 से मल्टीप्लाई किया गया है, सच्छंग 42। लेकिन अगले ही पोजीशन पर -1/2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 42 का आधा कितना होगा, 21। 42 का आधा 21, देखिए समझिए। फिर उसके बाद इसमें पुनः 6 से मल्टीप्लाई किया गया, 6, 3, 18, लेकिन इसमें पुनः वहीं से क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया 1/2 से। 18 का आधा क्या होगा, 9 होगा। सेम पोजीशन, आप अब क्लियर हो गया होगा आपको, 6 से 6 छंग 36 × 1/2, तो ये हो जाएगा 18 × 36। सेम पोजीशन, 6, 9 छंग 54, फिर इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई, सेम प्रोसेस, 27 आ जाएगा। और इसमें भी सेम प्रोसेस, इसमें देखिए समझने वाली बात नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये नॉर्मल रूप से मैंने ट्रिक बता दिया, ये आंसर आपका आ गया। ये देखिए सभी नियमों में फॉलो हो रहा है। देखिए यदि फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ में पकड़ें, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, तो पहला पोजीशन किसको दर्शाता है, सेकंड को, इसलिए सेकंड मैंने वहाँ फर्स्ट और थ्री फोर थर्ड लिया था, तो यहाँ मैंने फर्स्ट इक्वेशन देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर ये है पहला व दूसरा, तो इसमें मैं 6 से गुणा करूँगा, 7 छंग 42 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 14 दिया है, ये रॉन्ग हो गया। पहला स्तंभ क्या हो गया, रॉन्ग हो गया इसके अकॉर्डिंग, तो इसको आप यहाँ क्रॉस नहीं लगा सकते, ऐसे ही आपको पकड़ना है, ऐसे ही आपको पकड़ना है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपको यदि पकड़ना आ गया तो आपका प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ओके, तो इसमें यदि आपको समस्या हो रही हो तो आप कमेंट करिए, क्या समस्या हो रही हो तो आप क्या करिए, कमेंट करिए। क्लियर हुआ, तो अब यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि ये मैंने स्तंभ के थ्रू बताया, एक स्तंभ पर और प्रश्न मैं करवा देता हूँ। ओके चलिए,
नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि ये बहुत यूनिक हुआ, साधारण रूप से इसको मैं बताया हूँ। तो यहाँ पर हम लोग एक नया प्रश्न और देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि हम लोग पहले उस टेबल को बनाते हैं, पहले स्तंभ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। पंक्तियां ये देखिए, ये मेरा एक चार्ट तैयार हो गया, इसमें जो अंक दिए हैं उसको भी लिख दिए जाएं। ये 54 है, 54 है, 38, 34, 46। ये देखिए मेरा एक टेबल तैयार है और इस टेबल में हमको कुछ अंक दिए गए हैं। उस अंक में हमको ये ध्यान देना है कि जो अंक दिए हैं वो उचित हैं कि अनुचित हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन लेते हैं। तो ऑप्शन ए देखिए, स्तंभ, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। बी ऑप्शन है दोस्तों, स्तंभ, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। सी ऑप्शन है, स्तंभ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। डी ऑप्शन है दोस्तों, स्तंभ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये आपका ऑप्शन है और इस ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। जैसा कि इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इसमें जो नॉर्मल रूप से ऑप्शन दिया गया है वो आपका ए नंबर है, यानी पहला और तीसरा, और आपका है पांचवा। तो इस ऑप्शन को हम लोग क्या करते हैं, पहले सर्वप्रथम लिखते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए स्तंभ मैं ले रहा हूँ, कौन सा स्तंभ है, पहला, पहला स्तंभ मैं लेता हूँ 42, 81, 57, 51, 59। ओके, फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, सॉरी थर्ड ऑप्शन है,
14, 27, 19, 17, 23। ओके, फिफ्थ नंबर है 28, 54, 38, 34, 46। सभी ऑप्शन को मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ आपको। तो इसमें ये आप ध्यान दीजिए कि इसमें जो रूल लगे हैं दोस्तों, इसमें सर्वप्रथम इसमें 1/3 से गुणा किया गया है। देखिए, यदि हम 42 को काटेंगे 3 से, 3 1 9, 3 1 बचा, 3 4 12, 14 मिला प्राप्त हुआ। ओके, लेकिन आगे ही जैसे गए हम, 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया है, 14 दुना 28, 14 दुना क्या हो जाएगा 28। इतनी बात क्लियर। इसी प्रकार इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि 81 में यदि हम 1/3 से, तो 3 1 9, 3 3 2 6, 3 7 21, 27 है। क्लियर हुआ। उसी के आगे जैसे कि 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यानी कि 27 में 2 से गुणा किया गया, 2 7 14 के 4 हासिल, 1 2 2 4, 1 5 54 मेरा प्राप्त हुआ। रूल समझ में आ रहा है जैसे हो रहा है। ओके, चलिए अब उसी का आगे समझिए। सेम पोजीशन 1/3 से मल्टीप्लाई, तो यानी कि 57 में यदि मैं 1/3 से गुणा करूंगा दोस्तों, 3 1 9, 3 3 1 9, 3 3 9 27, 19, 19 मेरा प्राप्त है। लेकिन ये अगले ही पोजीशन पर 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 19 दुना 38, 38 मेरा प्राप्त हुआ है। इसमें भी 1/3 से, देखिए 3 1 9, 3 2 बचा, 3 7 21 आया, वेरी गुड। 2 से इसमें 17 दुना 34, 34 आया। फिर सेम प्रोसेस 1/3 से मल्टीप्लाई किया गया है, 3 दुनी 6, 3 3 का 9, ये भी सत्य है। लेकिन अगले पोजीशन में 2 से किया गया गुणा, यानी कि 3 दुनी 6, यानी कि 2 3 6, 2 2 4, 46। ऑप्शन मेरा ये सत्य हो गया कि ऑप्शन कौन सा है राइट, फर्स्ट है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला स्तंभ, मैंने पहला स्तंभ लिया और उसके बाद सेकंड, तो इसमें मैं 1/2 से क्या करूँगा, गुणा करूँगा। तो आप समझ सकते हैं 2 3 1 9, 3 1 आना चाहिए, 3 4 12, यानी कि 12 3 36, 12 4 48, तो ये कट तो जाएगा। देखिए 42 है, इसमें 1/3 से गुणा करूँगा, 3 1 9, 3 3 4 12, 14 3 42, लेकिन यहाँ कितना है 26 है। तो ये रूल मेरा सत्य है, ये क्या है असत्य है, ये गलत हो गया। उसी प्रकार पहला व तीसरे से कंपेयर किया जाए, तो इसका भाग करेंगे, देखिए पहले व तीसरे से कंपेयर किया जाएगा तो ये मेरा सत्य है, क्योंकि मैंने पहला व तीसरे से कंपेयर करके देख लिया। लेकिन जैसे ही चौथा ये बोला, जैसे ही चौथा ये बोला, तो यहाँ मेरा मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया, तो इसको आप समझिए, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये जो मान दिए हैं, ये जो मान दिए गए हैं, जैसा कि आपको मेरे ख्याल से तीसरा ऑप्शन नहीं समझ में आया, तो मैं उसको समझा दे रहा हूँ। क्या मैं उसको समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा, जैसा कि मैंने ये कहा कि पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है, तीसरा आपको नहीं समझ में आया क्योंकि मैंने ऐसे ही बता दिया, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ। पहले ऑप्शन में क्या दिया है मान, मैं उसको लिख देता हूँ जल्दी से, 42 81 57 51। फिर उसके बाद तीसरे में 14 27 19 17 23। उसके बाद चौथा ऑप्शन 42 56 28 44 63। ओके, इसमें 6 से सॉरी 1/3 से क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया है। तो देखिए 3 1 9, 3 3 4 12, ये तो सत्य हो गया, लेकिन इसमें 2 से गुणा किया गया है, सेम रूल 14 दुना 28, लेकिन 42 हो गया, ये गलत हो गया। इसमें भी आगे भी देखा जाए तो इसमें क्या किया गया, 1/2 1/3 से मल्टीप्लाई किया गया, 27 आ गया, लेकिन इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 2 7 14 के 4 होना चाहिए, 2 2 4 1 5 होना चाहिए, 54 होना चाहिए, लेकिन 56 दिया, इसीलिए ये सत्य असत्य हो गया। उसी प्रकार यदि हम लोग ये ऑप्शन देख लें, ये जो ऑप्शन है उसको हम लोग देख लेते हैं, देखिए हाँ फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, ये सेकेंड हो गया,
थर्ड हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 42, 81, 57, 51, 69, और सेकंड 26, 52, 36, 21, 26, फिर उसके बाद 14, 27, 19, 17, 23, इतना है। तो इसमें सेम क्या करना है हमको, 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 42 का आधा करेंगे, ओ 3 से भाग देंगे कितना आएगा 14, लेकिन यहाँ 26 आए, ये गलत हो गया, असत्य हो गया तुरंत ही। तो ये आपको ट्रिक है, मैंने जो बनाया अपने माध्यम से, ये मैंने आपके सामने रखा, आपके सामने क्या किया रखा दोस्तों। और यदि मेरी क्लासें पसंद आ रही हो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो भूले ही ना, सबसे बड़ी विशेषता बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, बेल आइकन, और यदि ये सब्सक्राइब हुआ है तो सबसे पहली नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी मेरी क्लास की। तो बहुत ही जल्द मैं क्लास लाइव स्टार्ट करने वाला हूँ, ये आप ध्यान दीजिएगा, ओके। तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।